हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड ऑफ मैथ बूस्टर विद करियर प्लानर। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्या, वो सुनिएगा। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं सीधी सी बात, ये हाइट एंड डिस्टेंस के सेकंड पार्ट पे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का क्या कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपने लास्ट वाले वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ क्या आप कर रहे हैं, सबसे पहले जाके फर्स्ट वाला वीडियो देखो, हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट वन, वही चैप्टर आपकी ज़िंदगी बदल देगा। देखिए, हमने बताया था क्या कि 30 डिग्री के सामने वाला एक यूनिट, तो 60 डिग्री के सामने वाला रूट 3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने वाला 2 यूनिट। बस इस बात को देखना कि 30 के सामने वाला कितना एक, 60 के सामने वाला कितना रूट 3 और 90 के सामने वाला कितना होगा 2। साथ ही साथ ये भी बताया था कि जैसे ही 30 से मैं 60 पे जाऊंगा रूट 3 से गुना, और जैसे ही मैं 60 से 30 पे जाऊंगा रूट 3 से क्या होगा, डिवाइड। अगर मैं 30 से 60 पे जाऊंगा रूट 3 से गुना करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं 60 से 30 पे जाऊंगा रूट 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको ये भी मैंने बताया था कि 30 का डबल क्या होता है, 90। तो इस चीज़ को आपने एकदम याद कर लेना है, दिल में सेव कर लेना है कि अगर मैं 30 से जाऊंगा 60 पे, यानी छोटे से जाऊंगा बड़े पे तो गुणा, और अगर 60 से जाऊंगा 30 पे तो डिवाइड। किससे गुणा, रूट 3 से। किससे डिवाइड, रूट 3 से। आइए आते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके सामने मैं जो अभी सवाल रखने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा सवाल, एकदम 1,191,000 रुपये के लिए आपके स्क्रीन पे देखिएगा। हमने कहा क्या कि हमारे पास एक छोटा सा और प्यारा सा ट्रायंगल है। हालांकि अभी जो मैं सवाल कराने जा रहा हूँ ये ट्रायंगल बेस्ड है, ऑब्वियसली बात है। मैं आपको पहले फिगर्स बना के यहाँ पे मैं आपको निकालना सिखाऊंगा ये हाइट वगैरह, लेकिन इस टोटली चीज़ को हम लोग इम्प्लाई करेंगे लैंग्वेज में अगले पार्ट में। यानी आज के पार्ट में हम लोग पूरा फुल बेसिक सीख लेंगे, फुल ऑन। फिर उसके बाद सवाल आते ही मेरे से पहले आप बना लोगे। तो बातों को सुनो, कहानी क्या है। मैंने इसको बोला क्या कि एक आवी एक ट्रायंगल बनाया जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री रखते हैं, ये वाला एंगल मैंने 60 डिग्री रखते हैं, और ये वाला एंगल 30 डिग्री रखते हैं। ए बी सी और डी। देखो जी, इस सवाल ये सवाल है, ऐसा कुछ आया कि हमें पता है कि ट्रायंगल ए बी सी और एक बीच में एक हमने लिख लगाया, एक परपेंडिकुलर डाला डी। हमें यहाँ पे पता है क्या, वो सुनिएगा। हमें यहाँ ए डी का लेंथ पता है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे ए डी का लेंथ पता है 10 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे लेंथ बताना है किसका, हमें यहाँ पे लेंथ बताना है बी सी का लेंथ क्या होगा। मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक ले लें, जिससे कि होगा कि सवाल आपको सेव होगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। तो मैंने पहले आपको कह दिया है क्या, हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री और बीच में 90 डिग्री का। समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। ए डी जो है वो 10 सेंटीमीटर का, अब बी सी आपको बताना है क्या होगा। मैं आपको कह रहा हूँ एकदम नॉर्मल तरीके से बनाएंगे सवाल, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई अकबक्की नहीं, कोई हिचकी विचकी, कोई हिचकिचाहट नहीं। अब आइए जो मैं कह रहा हूँ सुनिए। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा एडी कितना है, तो एडी 10 सेंटीमीटर है। एडी कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। अगर एडी 10 सेंटीमीटर यानी कि 60 के सामने वाला 10 सेंटीमीटर, 60 के सामने वाला कितना 10 सेंटीमीटर। अगर 60 के सामने वाला 10 सेंटीमीटर है तो एक बात बताओ, ये 90 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 और ये 90 तो ये आपको कितना होना पड़ेगा बताओ, ये आपको होना पड़ेगा 30, और ये 30 ये 90 तो ये कितना होना पड़ेगा बताओ, ये होना पड़ेगा इसको 60 डिग्री। अब देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको सिंपल से वे में यहाँ पे कहना है कि भाई 60 के सामने वाला 10 सेंटीमीटर, अब मुझे 60 से निकालना है 30 के सामने वाला, 60 के सामने वाला कितना 10 सेंटीमीटर और मुझे निकालना है 30 के सामने वाला। एक बात बताइए, 60 के से जाना है मुझे 30 पे, यानी बड़े एंगल से जाना है छोटे एंगल पे, डिवाइड या मल्टीप्लाई। अगर छोटे पे जाएंगे तो डिवाइड, बड़े पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई। अब मैं जा रहा हूँ बड़े से जा रहा हूँ छोटे पे, इसलिए मुझे डिवाइड देना पड़ेगा। किससे डिवाइड देंगे, रूट 3 से डिवाइड देंगे। किस में, 10 में, 60 बड़ा
बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 60 से जा रहे हैं 30 पे, यानी रूट 3 से डिवाइड, यानी हो जाएगा क्या 10/√3। BD की लंबाई आ गई 10/√3। हमारे नमूनों को पता चल रहा होगा, अब मास्टर इस ट्रायंगल में आएगा, बिल्कुल सही। अब आपको देखना है, अब देखिए ये 30 के सामने वाला ये 10 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल किसमें, ADC में, 30 डिग्री के सामने वाला कितना सेंटीमीटर है जी, 30 डिग्री के सामने वाला 10 सेंटीमीटर है। अगर 30 डिग्री के सामने वाला 10 सेंटीमीटर, तो देखिए ट्रायंगल ADC में 60 डिग्री के सामने कौन आ रहा है, DC, 60 डिग्री के सामने कौन आ रहा है, DC, तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या बनेगा, 60 डिग्री के सामने वाला बनेगा, बताओ 60 डिग्री के सामने वाला होगा 10√3। कैसे, वो सुनो, मैंने पहले बताया अगर आप 30 से 60 पे जाएंगे तो √3 से गुना, और अगर 60 से 30 पे जाएंगे तो √3 से डिवाइड। यहाँ आप 60 से 30 डिग्री से 60 डिग्री पे आए हैं, 30 डिग्री से 60 डिग्री पे आए हैं, तो आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो लेंथ चाहिए BC का, तो BC का लेंथ कुछ और नहीं होता मेरे दोस्त, यही है, मैं क्या करूँगा 10/√3 प्लस 10√3। अब देखो 10/√3 में अगर 10√3 जोड़ोगे तो √3 × √3 कितना होता है जी, देखो इसको जोड़ोगे तो 3 तो पहले, √3 तो नीचे हो जाएगा एलसीएम, अब √3 × √3 कितना होता है जी 3, 3 × 10 कितना होता है जी 30, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40, यानी आंसर क्या होगा 40/√3। यानी किसी ने आपसे कहा कि BC की लंबाई बताइए तो कुछ और नहीं होगा 40√3 होगा। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सुनिएगा, मैं आपको बता क्या रहा हूँ, सुनो, मैं बता यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये रहा हूँ कि अगर इसमें थोड़ी सी भी आपको दिक्कत आ रही है, अब तुरंत वीडियो को रिवर्स करिए, क्योंकि आप समझ रही है लाइव क्लासेस नहीं है यहाँ पे, कोई हम लोगों ने ये क्लास नहीं है और लाइव भी नहीं मैं आया हूँ कि भाई मैं इसको दोबारा बताऊँ, इसको आप रिपीट भी कर सकते। तो आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बेहद ही खूबसूरत था, अब सवाल वो क्या है वो सुनना। देखो जी, हम लोगों ने कहा क्या, हमारे पास एक दूसरा सवाल आ गया, ABC और ये D, हमने कहा ये 90 डिग्री, ये जी 30 डिग्री, ये जी 60 डिग्री, और मुझे अब AD की लंबाई निकालनी है, यानी मुझे ये वाली लंबाई निकालनी है, और मुझे पता है किसकी लंबाई, मुझे पता है BC की लंबाई पता है, वो कितना है 12/√3, कितनी है 12/√3 सेंटीमीटर, और आपको AD का लेंथ निकालना है। तो देखो इस तरीके के सवाल को अगर आपको निकालना है तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ ही नहीं करना है, बस सिंपल से वे में आपको यहाँ पे आराम से और दिल पे हाथ रख के एक ही काम करना, करना क्या चाहिए यहाँ पे मास्टर ये बताओ, कुछ नहीं करने का है, बस सिंपल से आपको ये सोचना है। क्या सोचने वाली बात है वो सुनो, सोचने और समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे सिंपल सा जिसको निकालना है उसको एचलेट कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ यहाँ पे आपको निकालना क्या, आपको निकालना AD, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा इस AD को एचलेट करूँगा। देखो क्योंकि अब यहाँ पे है क्या कि ट्रायंगल हो गया है BC पूरा, अब इस BC में से किसी, अब BC में सब सोचो यहाँ पे X और यहाँ पे 12/√3 − X करके बनाओगे, पागल बन जाओगे, उससे कहीं बेहतर है कि मैं कहूँगा आपको कि AD को ही H मान लो। अब AD को H मानोगे तो क्या होगा, देखो AD को H मानोगे तो देखो तो ये 30 है तो कितना हो जाएगा 60, मैंने फिर से कहना 30 के सामने H तो 60 के सामने निकालना है। अब 30 से जा रहे 60 पे, तो छोटे से जा रहे बड़े पे तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, मैंने पहले ही बताया अगर छोटका से जाना बड़का पे तो गुणा करना, और बड़े से जाना छोटे पे तो बड़े से जाना छोटे पे तो डिवाइड करना। तो मैं यहाँ पे छोटे से जा रहा हूँ बड़े पे, 30 गिवन है, 60 निकालना है, यानी √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखो यहाँ पे भाई 60 के सामने H है, 60 के सामने गिवन है, और ये कितना होगा 30 होगा। मैं बेहद बात करूँ ट्रायंगल ADC में,
अगर मैं ट्रायंगल बात कर रहा था ए डी बी में, तो 60-30 के सामने एच गिवन था, 60 के सामने निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया एच रूट थ्री। अब देख सकते हैं यहाँ 60 के सामने एच गिवन है और 30 के सामने निकालना है। अगर 60 के सामने गिवन है एच और 30 के सामने वाला साइड निकालना है ट्रायंगल ए बी सी में, तो एक बात अब खुद सोचो कि भाई 60 से जाना है 30 पे, बड़े से जाना है छोटे पे, तो डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करेंगे? रूट थ्री से, काम खत्म। अब दोनों को जोड़ो, एच रूट थ्री प्लस एच बाई रूट थ्री। देखो तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है जी? थ्री। अब देखो अब इन दोनों को ऐड करो क्या होगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है जी? थ्री। थ्री एच प्लस एच कितना होगा जी? फोर एच, यानी कुछ और नहीं है, फोर एच बाई रूट थ्री है। फिर से मैं आपको समझा दूँ कि अगर ये एच रूट थ्री तो ये एच बाई रूट थ्री हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? एक बात आप लोगों ने और भी समझ लेना कि दोनों को ऐड करेंगे तो ये फोर एच बाई रूट थ्री होगा, और ये फोर एच बाई रूट थ्री ये किसका लेंथ है? ये लेंथ हुआ बी डी प्लस डी सी। ये लेंथ किसका हुआ? बी डी प्लस डी सी, यानी कि यही लेंथ है किसका? ए सी बी सी का। किसका लेंथ है? बी सी का। यानी मैं कहूँ कि अगर यहाँ से इस बी सी का लेंथ कितना आएगा, तो बी सी का लेंथ कुछ और नहीं, फोर एच बाई रूट थ्री आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन है कि बी सी हमारा कितना है? बी सी हमारा 12 बाई रूट थ्री है, यानी फोर एच बाई रूट थ्री बराबर होगा 12 बाई रूट थ्री। रूट थ्री से रूट थ्री कटा, 4 से 12 काटेंगे, आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 3 सेंटीमीटर। यानी एच का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए? एच का वैल्यू ओनली 3 सेंटीमीटर आएगा। मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे? अगर थोड़ी भी इसमें दिक्कत है, मैं अगेन कहूँगा वीडियो को रिपीट करिए। चलिए आइए, अगला सवाल हमारा बेहद ही खूबसूरत सा, कुछ इस तरीके का। आई होप कि एक सेकेंड, ब्लू मार्कर आपके लिए काफ़ी लाइट होगा इसलिए मैं इसको चेंज करता हूँ। चलिए जी देखिए, अभी आपने देखना है क्या कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया है। मैंने कहा ये वाला एंगल जी 30 डिग्री का और ये वाला एंगल 60 डिग्री का। देखो अभी एक बात बताइए, मैंने गलती से कभी मान लो कि यहाँ पे 60 और यहाँ 30 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, मुझे ये पॉइंट देखना है। मान लो ये पॉइंट, यहाँ पर चिड़िया उड़ रही है, मेरे को देखना है। तो मैं अगर यहाँ से देखूंगा तो देखो मेरा एंगल जो है, मैं दूर हूँ तो मेरा जो सिर है वो ज़्यादा रोटेट नहीं करा, लेकिन जैसे जैसे करीब जाऊँगा तो देखने के लिए मुझे सिर को उठाना पड़ेगा, यानी एंगल ज़्यादा बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या कि जैसे जैसे मैं नज़दीक जाऊँगा एंगल इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे मैं दूर जाऊँगा एंगल डिक्रीज करेगा। एक बात को सुनिएगा, अब यहाँ पे गिवन है क्या कि भाई इस तरीके का कुछ हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें ए बी बराबर गिवन है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। आपको डी सी की लंबाई बतानी है, ये लंबाई बतानी है। बहुत ही सुंदर सा सवाल हो चुका है। अब मैं कहूँगा फिर से वंस अगेन, आप फिर से इसका स्क्रीन शॉट ले लो। तो अब करोगे क्या यहाँ पे? सुनो, अब सिंपल से वे में मैं बोलूँगा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात आएगी क्या, ए बी ए डी और डी सी। मैं सिंपल से लैंग्वेज में कहूँगा आपको कि चुपचाप यहाँ पे लिखिए 10 सेंटीमीटर। और आपको एक चीज पता होगी, ये एक नहीं ये दो ट्रायंगल है। कितना ट्रायंगल है? 2 ट्रायंगल है। मैं आपके सामने इसको आपको दिखा रहा हूं, एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और ये ट्रायंगल हो गया क्या? ए बी और डी। अब देखना जी, मैंने यहाँ पे कहा क्या, ये एंगल 30 डिग्री का, और मैंने कहा यहाँ पे क्या, ये एंगल 60 डिग्री का। ठीक है,
एक क्या हो गया ए बी सी और एक क्या हो गया ए बी और डी। ये वाला एंगल कितने डिग्री का जी 30 डिग्री का और ये वाला एंगल कितने डिग्री का जी 60 डिग्री का। अब एक बात बताओ, अब आप खुद समझ सकते हैं आप, यहाँ पे ए बी की लंबाई दोनों ही जगह 10 सेंटीमीटर क्योंकि ए बी तो कॉमन है। अब देखो सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे दो सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे क्या मैंने आपके सामने दो क्या बनाए दो अलग अलग ट्रायंगल बनाए। एक बनाया जी ए बी डी और बनाया जी एक ए बी और सी। एक एंगल कितने डिग्री का 30 डिग्री का और एक एंगल कितने डिग्री का जी 60 डिग्री का। अब एक बात तुम खुद सोच के बताओ, अगर ये 30 है तो ये वाला कितना होना पड़ेगा 60, और अगर ये 60 है तो ये वाला कितना होना पड़ेगा बताओ 30। देखो मैं पहले आपको ये समझा रहा हूँ, उसके बाद इसको जल्दी से करने का भी तरीका बताऊँगा। आओ जी देखो, तो बातों को सुनो। अब कहानी क्या है, ये 30 के सामने वाला 10, 30 के सामने वाला 10 तो 60 के सामने वाला कितना होगा बताओ। अगर 30 के सामने वाला 10 है तो 60 के सामने वाला क्या होगा 10√3। अगर मैं छोटे एंगल से बड़े एंगल पे जाऊंगा रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो ना। हाँ है ना। अब देखना 60 के सामने वाला कितना है 10, अगर 60 के सामने वाला 10 है तो 30 के सामने वाला देखो, अगर 60 के मैं सामने जा रहा हूँ तो 10 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर मुझे जाना होगा मान लो 30 के सामने, किसके सामने जाना होगा मुझे 30 के सामने जाना होगा, तो मैं 60 से जा रहा हूँ 30 पे, 60 से किस पे जा रहा हूँ 30 पे, यानी बड़े एंगल से जा रहा हूँ छोटे पे, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा रूट थ्री से, यानी हमारा आंसर क्या होगा बताओ 10√3, क्योंकि 60 के सामने वाला 10 तो 30 के सामने जाने में मुझे रूट थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि BC की पूरी लंबाई आ गई है 10√3, इस ट्रायंगल से देख सकते हैं, और BD की पूरी लंबाई आ गई है 10√3। अब आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो मुझे DC की लंबाई मिल जाएगी, यानी मुझे अगर DC की लंबाई चाहिए तो मैं लिखूंगा 10√3 − 10√3। अब देखो रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है जी 3, कितना होता है सिंपल सा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है जी 3। अब रूट थ्री इंटू रूट थ्री अगर जो 3 होता है तो 3 × 10 कितना हो जाएगा जी 30। अब 30 में से 10 घटेगा बचेगा कितना 20, और डिवाइडेड बाय रूट थ्री, यानी जो हमारा DC का वैल्यू होगा वो कुछ और नहीं होगा, वो क्या होगा 20√3 होगा। मैं फिर से बता दूं आपको, मैंने 10√3 में से 10√3 को घटाया है, LCM ले लिया रूट थ्री, रूट थ्री इंटू थ्री 3 इंटू 10 30, 30 − 10 20, 20√3। थोड़ी भी दिक्कत वीडियो फिर से रिपीट करो, आ जाओ देखो मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ और इसको जल्दी से बनाने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ। देखो एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाना, सिंपल सोचना। यहाँ पे देखो क्या, ये 60 है तो इतना तो 30 होगा, और ये 30 है तो ये पूरा 60 होगा। चलो जी चलो देखो, अब देखिए 60 के सामने वाला 10 तो ये 30 के सामने वाला कितना होगा, ये 30 के सामने वाला इतना दूर, ये 30 के सामने वाला इतना दूर कितना होगा 10√3, डायरेक्ट लिख दो। फिर ये 30 के सामने वाला 10 तो ये पूरा 60 के पूरा सामने वाला, ये देखो 30 के सामने वाला 10 तो 60 के पूरा सामने वाला कितना होगा, 60 के पूरा सामने वाला होगा 10√3। अब उसके बाद आप पता है कि इन दोनों को मैं माइनस करूंगा और आंसर क्या आ जाएगा 20√3। चलिए जी अब कहानी क्या है, मैं आगे ले जा रहा हूँ। अब इसी का रिवर्स क्वेश्चन मान लो आगे आपके पास, रिवर्स क्वेश्चन कैसा आ सकता है सर ये बता दो। तो रिवर्स क्वेश्चन देखिए, हमारे पास इस सवाल का थोड़ा सा रिवर्स हमको मिल गया। हमारे पास मिला क्या कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ए बी मुझे पता नहीं है और मुझे डी सी की लंबाई गिवन है 10√3 और मुझे बताना है ए बी की लंबाई। बहुत ही आसानी से बताऊंगा मैं, क्या कहूंगा आप इसको लेट कर लीजिए एच। अब देखिए क्या होगा, देखो जी 60 के सामने वाला कितना है एच, अगर ये 60 तो कितना होगा बताओ 30, अगर 60 के सामने वाला एच है तो 30 के सामने वाला क्या होगा बताओ, 30 के सामने वाला होगा एच बाई रूट थ्री। अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल ए
डी बी में, तो ट्रायंगल ए डी बी में अगर 60 के सामने वाला एच है तो 30 के सामने वाला क्या होगा, एच बाई रूट थ्री। आ जाओ जी आगे, अब बात करूंगा ट्रायंगल ए बी और सी में। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं क्या कि अगर ये 30 है तो ट्रायंगल ए बी सी में ये पूरा कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब देखो मैंने कहा क्या कि भाई ट्रायंगल ए बी डी में 30 डिग्री के सामने अगर, सॉरी 60 के सामने अगर एच है तो 30 के सामने एच बाई रूट थ्री होगा। अब मैं बात करूँ ट्रायंगल ए बी सी में, तो यहाँ 30 के सामने एच आया, 30 के सामने क्या आया, एच आया। अगर 30 के सामने एच आया तो आप समझ सकते हैं ये पूरा 60 है, तो 60 के सामने वाला होगा एच रूट थ्री। जब भी मैं कभी छोटे एंगल से बड़े एंगल पे जाऊंगा रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा, और जब भी मैं कभी बड़े एंगल से छोटे एंगल पे आऊंगा तो रूट थ्री से डिवाइड करूंगा। अब देखिए इन दोनों का ही डिफरेंस, इन दोनों का ही डिफरेंस डी सी है, मैं दोनों को घटाऊंगा, एच रूट थ्री माइनस एच बाई रूट थ्री। रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है जी, थ्री। थ्री एच माइनस एच बाई रूट थ्री यानी क्या होगा, टू एच बाई रूट थ्री। अगर मैं घटाऊं किसको, बी सी से बी डी को घटाऊंगा तो कुछ ये आएगा, और ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा डी सी के, यानी डी सी की लंबाई कितनी है, टू एच बाई रूट थ्री इन द फॉर्म ऑफ एच। लेकिन एच किसका वैल्यू है, एच वैल्यू है ए बी का। अब एक बात बताइए, आपकी नज़र में टू रूट थ्री है, हमारी नज़र में टू रूट थ्री है, लेकिन सवाल बोल बैठा है इसको 10 बाई रूट थ्री। अब देख सकते हैं इसको रूट थ्री से रूट थ्री काटा और दो से दस काट के कितना लिख दिया, पाँच, यानी एच का वैल्यू पाँच आया, यानी हाइट कितना सेंटीमीटर है जी, हाइट है 5 सेंटीमीटर। यानी आज के बाद अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है उसको आप आभी उड़ा दोगे, आप बोल दोगे क्या होगा आंसर, 5 सेंटीमीटर। अगर थोड़ी भी दिक्कत एक बार वीडियो और रिपीट कर लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं ये सारे कॉन्सेप्ट इंप्लाई होंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, आभी सवाल उड़ा के रख दीजिएगा आप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो भाई कॉमेंट भी आप करिए, जो भी अगर आपको कुछ और भी वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, तो हम लोग ऐसे रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। हाँ, और मैं जो लाइव आ रहा था मैं लाइव भी आऊँगा, लेकिन अभी लाइव सेशन मैंने कुछ दिनों से भी बंद कर रखा है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को कुछ अभी बुक पे मेरा काम चल रहा है, इसलिए कुछ दिनों में ही मैं लाइव भी आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।